एनएमसीएच में जो मामला आया था तो बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही आपत्तिजनक है, जिसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। और दूसरा, एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है स्थानीय थाना में। पुलिस भी जांच करे कि इस प्रकार कैसे हुआ, कि नहीं चूहे के द्वारा ऐसा हो गया या कहीं कारा चोरी हो गई, अंग तस्करी और चोरी हो गई, दोनों गंभीर मामले हैं। अगर अंग तस्करी का मामला और गंभीर है, इसको देखते हुए हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के एक मरीज को पटना के एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। परिजन का आरोप है कि मरीज को जो है आंख निकाली गई थी, लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर जो पटना के डीएम है, उन्होंने जांच का आदेश दे दिया है। एफआईआर कर ली गई है इस पर, जो है जिस तरह से उचित जो जांच होगी उसके बाद से जो है कार्रवाई होगी। लेकिन जो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोषी होंगे उनको बख्शे नहीं जाएंगे। क्या कुछ कहते हैं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर? एनएमसीएच वाली जांच करवा रहे हैं। हाँ, एनएमसीएच में जो मामला आया था तो बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही आपत्तिजनक है, जिसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। एक इंटरनल जांच कमेटी बनी है डॉक्टर्स की, कि वो देखेंगे कैसे इस प्रकार का हुआ। और दूसरा, एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है स्थानीय थाना में। पुलिस भी जांच करे कि इस प्रकार कैसे हुआ, जो दोनों संभावना लोग बता रहे हैं कि नहीं चूहे के द्वारा ऐसा हो गया या कहीं कारा चोरी हो गई, अंग तस्करी और चोरी हो गई, दोनों गंभीर मामले हैं। और क्योंकि एक लापरवाही का मामला बनेगा और दूसरा है कि दूसरा अगर अंग तस्करी का मामला और गंभीर है, इसको देखते हुए हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं। सर, कि हमारा 8 बजे डॉक्टर साहब जवाब दे दिए, आपका लाज मैंने डेट कर गया, ठीक है संतोष कर लिया, फिर भी बोला कि जो यहाँ प्रक्रिया होता है पोस्टमार्टम करने पड़ेगा या करने पड़ेगा, हम कि ठीक है। तो वहाँ से फिर बोले कि वहाँ अंचल अथी में जाइए, वहाँ गए तो बोला कि 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। सवेरे 2 बजे के बाद हम लोग सब खून आदमी दिए, जितना लेकर थे 8 गो 10 गो 12 गो, सब जखनी खून मांगता था जखनी देते थे भाई के लिए कि भाई हमारा मर गया है, कम से कम खून देंगे तो कम से कम जिएगा। तो चलते उसका अपडेट करने के बाद नहीं जाने दिया। हमारा पिताजी है, चाचा जी हैं, नहीं ठोकने दिया हम कहीं, तो भी संतोष करिए, रही आराम से। उसके बाद में हम 2 बजे यहाँ 6 बजे आए रूम पर से, जाके देखते हैं तो आँख नहीं है। डॉक्टर के बोले यहाँ पूछे तो बोला डॉक्टर आँख नहीं है कैसे, वहाँ फिर बोला कि जाइए अंदाथी में पता था सारी में, वहाँ भी जाए वहाँ बैठे ले रह गए बूढ़े आदमी के समझा ले। उसके बाद आज हमके साथ है सर, 1 मिनट, आज हमारे साथ है, अमीर आदमी है तो 10 करोड़ 20 करोड़ लेके दिल्ली या मुंबई जाते हैं। हम गरीब हैं, 5 कट्ठा खेत भी नहीं है, उसी में कमाते खाते हैं, बाल बच्चे के लाके दिखाते हैं। सरकारी है तो क्या है, 5 रुपया के टिकट काट दिया, 150 रुपया के दबो बाहर चला वो। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।